Okay, that's what happened to me. क्या पढ़ा था कल हमने? फोर स्ट्रोक डीजल इंजन में चारों स्ट्रोक के बारे में पता कर लिया था। yes, कौन से स्ट्रोक होते हैं? कुछ एक आदमी को इनटेक, कंप्रेशन, पावर एंड जब भी आपसे स्ट्रोक्स पूछे जाते हैं तो आपको सीक्वेंस में सारे स्ट्रोक्स बताने हैं, ना कि अपने मन से रेंडमली। ओके, जब आपसे पूछा जाए चार स्ट्रोक के नाम बताओ तो इनटेक, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। समटाइम्स आप अगर तो याद ही नहीं रहता इनटेक, पावर, कंप्रेशन, सीक्वेंस बदल गया। Yes, लेकिन इंजन में तो सीक्वेंस चेंज ही करेंगे ना। yes, तो आपको आंसर कैसे देना है? इनटेक, कंप्रेशन, पावर। स्ट्रोक की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। yes, टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है, कैसे कंबसन टेक प्लेस होता है, स्टार्टिंग एयर एंटर करती है, सब चीज हमने पढ़ी। yes, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि उसमें इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व कैसे ऑपरेट हो रहा है। yes, है ना। yes, हमने इतना तो डिस्कस किया था कि भाई इसमें जो फ्रेश चार्ज एयर आ रही है वो टर्बो चार्जर से आ रही है। अब टर्बो चार्जर का वर्किंग प्रिंसिपल नहीं पढ़ा हमने। इनलेट वॉल्व ओपन हो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है ये तो नहीं बताया था ना। yes, अभी हम देखेंगे इनलेट एग्जॉस्ट वॉल्व जो है ना वो कैसे ओपन होते हैं। उसके साथ साथ में हम फोर स्ट्रोक डीजल इंजन के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आपकी बुक में, एमी के बुक में फोर स्ट्रोक इंजन का डायग्राम दिया, बट उसमें नहीं, जो अपनी ओरल की बुक है उसमें दिया हुआ है, ऑनलाइन वाली में। पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये क्या बन गया, सिलेंडर। हाँ, ये सबको पता है। सिलेंडर हेड लग गया और ये लग गई है अब यहाँ पे लगा हुआ था इनलेट वॉल्व, यहाँ पे लगा हुआ था ये जो इनलेट वॉल्व होता है इसमें अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है। ठीक है, क्या लगी होती है? स्प्रिंग। इसमें भी एक स्प्रिंग लगी होती है। ओके, अब इसको ऑपरेट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है रॉकर आर्म की, जो यहाँ पे है ना। ये जो लाइन दिख रही है ना इनलेट वॉल्व में, यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको बोलते हैं हम वॉल्व स्टैंड। वॉल्व स्टैंड यहाँ दिख लेता हूँ मैं, जैसे ग्लोब वॉल्व में होता है ना। यस सर, वॉल्व स्टैंड। ठीक है, तो ये वॉल्व स्टैंड को हम ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएगा, और जब इसको रिलीज कर देंगे तो स्प्रिंग इसको बंद कर देगा। ठीक है, इसको प्रेस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे यहां से लेके ये एक मैकेनिज्म लगा दिया। अब मुझे बताना, मैं ये पॉइंट को अगर ऐसे पुश करूं ऊपर की तरफ, इस पॉइंट को ऊपर की तरफ करूं तो यहाँ पे ये टच होगा। yes, yes, sir. टच होगा तो ये नीचे आएगा। yes, sir. मतलब आपका इनलेट वॉल्व ओपन होगा। yes, अब सेम मैकेनिज्म में इसके लिए भी लगा सकता हूँ। yes, वो यहाँ पर दिखेगी नहीं क्योंकि वो पीछे की तरफ चली जाएगी। तो हम यहाँ पर एपी को देख रहे हैं, इसी से समझ लेते हैं, सेम तरीका इसके लिए भी अप्लाई होगा। ये जो मैकेनिज्म लगाया है इसको बोलते हैं रॉकर आर्म। क्या बोलते हैं इसको? आर ओ सी के ई आर, रॉकर आर्म। नहीं होता, आम होता है, आर साइलेंस चलता है, रॉकर आर्म। ओके, खाने वाला आम नहीं। अब यहाँ पे देखो, आपने देखा यहाँ से पुश किया इसको, लेकिन इसको पुश कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक यहाँ से नीचे की तरफ रॉड लेके आते हैं। ठीक है, ये एक रॉड है। अब ये रॉड को मैं अगर ऊपर दबाऊं तो क्या होगा? ये रॉकर आर्म को ऑपरेट करेगा। रॉकर आर्म इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल्व को ऑपरेट करेगा। ठीक है, ये जो रॉड है इसको बोलते हैं पुश रॉड। क्लियर, ये रॉड को क्या बोलते हैं? पुश रॉड। यहां पर जो ये चीज है राउंड जैसा लगाया है इसको बोलते हैं फॉलोअर। इंस्टाग्राम वाले ने यहाँ एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू ना, क्या बोलते हैं इसको? फॉलोअर। अब इसको कैसे ऊपर करेंगे? इसको भी तो कुछ मैकेनिज्म लगाना होगा।
Now we'll see here. दूसरा कलर है क्या? ब्लू कलर आ गया? नहीं, I will use the blue. तुमसे मिटवाऊंगा ये. How the shape is looking like? कैसा दिख रहा है ये shape? Oval. Oval. अंडे जैसा? अंडे जैसा. Clear? Yes sir. अब यहाँ पे ये जो अंडे जैसा shape है, इसको मैं अगर rotate करूँ, see यहाँ पे देखो, rotate करूँ तो जब ये point ऊपर पहुँचेगा तो push rod. बोलो. ऊपर जाएगी नहीं जाएगी? ऊपर जाएगी. अभी जो position पे है, उस position से change होगी? Yes sir. किस side में? नीचे की side, ऊपर की side? ऊपर. push rod ऊपर होगी तो क्या होगा? डॉक्टर राम ऑपरेट होगा? यस सर. वो किसको ऑपरेट कर देगा? लेग को. क्लियर हुआ माइंड में? यस सर. ये जो लगाया यहाँ पे मैकेनिज्म हमने, इसको बोलते हैं कैम. ठीक है, जो ओवल शेप का है. अब आप देखेंगे ओवल शेप के अंदर में एक सर्कल है और सर्कल के अंदर में ऐसे ऐसे हैसिंग किया हुआ है, लाइनिंग किया हुआ है. ठीक, इसको मैं बाहर यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ. ये मान लीजिए ओवल शेप का है और यहाँ पर एक सर्कल है. ठीक, मेरे पास में एक ये यहाँ पर रॉड है. अब इस कैम को मैं उठा के इसमें अंदर डालूं, जा सकता है? जाएगा ना? यस सर. तो आप क्या समझते हैं, ये जो हैसिंग है ये क्या है? ये शाफ्ट है. उस शाफ्ट के ऊपर में ये कैम लगी हुई है. ठीक है, और शाफ्ट अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो शाफ्ट किधर है? बोर्ड के पीछे. तो इसको क्या बोलेंगे? कैम शाफ्ट. समझ में आ गया? अब ये कैम शाफ्ट को हम कैसे रोटेट करेंगे? वो तो जब इसको रोटेट करेंगे तभी तो पुश रॉड ऊपर नीचे हो गई. अब कैम शाफ्ट को कैसे रोटेट करेंगे? आप सबको पता है कि क्रैंक शाफ्ट जो होती है वो इस तरह से बनी हुई होती है. ठीक है, अब क्रैंक शाफ्ट का जो मैकेनिज्म है, जो शाफ्ट है उसको यहां पर मान लेते हैं हम. ये क्या लगा दिया? एक हमने चैन लगा दिया. क्या लगा दिया? चैन ड्राइव लगा दिया, मतलब चैन से चलने वाला. अब बताओ, पिस्टन को जब आपने नीचे किया तो क्या रोटेट हुआ? क्रैंक शाफ्ट रोटेट हुआ. क्रैंक शाफ्ट रोटेट होने के साथ में और क्या रोटेट हुआ? चेन ड्राइव की वजह से क्या रोटेट हुआ? क्रैंक शाफ्ट की वजह से क्या ऑपरेट हुआ? पुश रॉड की वजह से. रॉकर आर्म की वजह से. इनलेट वाल्व ओपन. फ्रेश चार्ज एयर. समझ में आ गया? यस सर. पिस्टन को नीचे भेजते ही इतना सारा मैकेनिज्म ऑपरेट हो गया और उसकी वजह से फ्रेश चार्ज एयर जो थी वो अंदर और आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा. ये समझ में आ गया बेसिक्स? यस सर. ठीक है, अब फ्रेश चार्ज एयर अंदर कैसे आएगी वो देखते हैं. ये हटा दूं पूरा? यस सर. परमानेंट लिंक डाल दिया इसके अंदर. होता है नया बोर्ड लगाया नहीं है, केवल ब्लू इंक के साथ ही प्रॉब्लम है. ये फेवर कैसल का मार्कर है और ये वाइट उसका है, कैमिलन का है. दोनों का ब्रांड अलग अलग है. थैंक यू. ओके, अब यहां पर देखेंगे हम कि जो फ्रेश चार्ज एयर है वो अंदर कैसे जा रही है. क्या कर दिया ये? Thank you.
ये जो डायग्राम बना रहा हूँ ना, ये कहीं बुक वगैरह में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ समझाने के लिए है। आप सोचो सर ये आपने बनाया, बुक में नहीं है, दिखा नहीं, इंटरनेट पर भी नहीं मिलेगा। ये है इनलेट बॉल, ये है ठीक, यहाँ पे है, मैं चीज को यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। इतना आ रहा है वीडियो में? Yes, sir. क्या दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पर, क्या बन रहा है? जब आप छोटे थे, सुनो सर, जब आप छोटे थे तभी आपने कभी दुकान से छोटे थे तो कभी वो छोटा सा एक खिलौना आता था, उसमें एक ऐसा छोटा डंडा लगा रहता है, ऊपर एक छोटा सा फैन, फिर उसको आप साइकिल चलाते तो साइकिल पर आगे लगा लो, फिर वो तेज साइकिल चलाएंगे तेज घूमता है, ठीक है, या फिर उसको ऐसे पकड़ के हवा लगाओ तो खेले ना उससे आप। अभी मुझे बताना वो जो घूम रहा है वो क्यों घूम रहा है? हाँ तुम बहुत टेक्निकल बन जाओ सत्यम, कल वो कल की बात थी, जब चीजों को सोचना चाहिए तब नहीं सोचेंगे, अभी आज की बात क्या है, उसको प्रेशर हवा मिल रही है, जब हवा का टकराव उसके ऊपर हो रहा है ब्लेड्स के ऊपर में तो वो रोटेट कर रहा है, कर रहा है ना, क्योंकि आपने ऐसे पकड़ के हवा मारो तो घूम जा रहा है। चीज समझ में आ रही थी? अब ये फैन है, दिखा है? ये फैन को यहाँ से हटा लेते हैं और ये इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, इसको हवा मारेंगे तो घूमेगा? हाँ वेरी गुड, क्यों नहीं घूमेगा? हाँ बोलो बोलो, अच्छा क्यों नहीं घूमेगा? क्या बोल रहा है? अबे हवा मारेंगे, भूख मारेंगे उसमें, क्या बोल रहा है? से नहीं होगा, नहीं होगा, भगवान कौन सी दुनिया में पढ़ के आ रहे, सिट डाउन, सिंपल सा लॉजिक, अब इसमें अगर फैन लगा दिया तो उसको हवा मारे तो नहीं घूमेगा? घूमेगा, ज्यादा क्या, एटमॉस्फेयर से ज्यादा ही मारोगे ना, तो मुंह से ऐसे मारोगे तो घूमेगा ना ये? नहीं घूमेगा, क्योंकि हमने सांप पकड़ रखी इसकी, जैसे घूमेंगे पकड़ के रखा है ना, पंखा तो लगा दिया, बेरिंग नहीं लगाया उसमें, बेरिंग लगेगा यहाँ पे, बेरिंग लग गया यहाँ पे, अब यहाँ फैन जो लगा हुआ है इसको हवा देंगे तो ये घूमेगा और साथ में इसकी साथ लगेगी, क्लियर? समझ में आ गया? अब इधर भी एक फैन लगा देते हैं, फिर हमने इधर हवा दी इस साइड में तो घूमेगा? Yes, इधर का फैन भी घूमेगा? Yes, क्योंकि एक ही स्टाफ का दोनों, समझ में आ गई बात? Yes, अगर हम इस वाले फैन को प्रेशर दे रहे हैं तो इसकी वजह से इधर का फैन भी रोटेट कर रहा है, बिकॉज दोनों के दोनों एक ही स्टाफ पर कनेक्टेड, समझ में आ गया? Yes, आप देखो ये फैन एक लग गया, अभी देखते हैं ब्लैक वाला काम करना शुरू कर देते, एक ये लगा, और दोनों को हमने एक ही साफ के दो, पीछे की साफ नहीं दिखेगी, यहां पर एक ही साफ को दोनों कनेक्ट कर दिया, समझ में आ गया? Yes, अब इसको अगर हम प्रेशर देंगे तो ये भी रोटेट करेगा? Yes, करेगा ना? Yes, अब इसको हमने एक क्लोज कंपार्टमेंट में बंद कर दिया, ठीक, और बीच में लगा दिया पार्टीशन, अब हम यहां से हवा दे रहे हैं इसको, ठीक है, यहां से हवा देंगे तो ये घूमेगा? Yes, sir. लेकिन पूरी की पूरी हवा अंदर भरती चली जाएगी ना, हवा का निकलने की जगह होगी तभी तो घूमेगा? Yes, sir. ये जो फैन है ये कभी रोटेट करेंगे, उधर से प्रेशर आए इधर से निकल जाएगा, है ना, तो क्या होगा यहाँ पे? अभी कुछ नहीं होगा, कब होगा? जब यहाँ से हम एयर को, तो यहाँ से जो एयर एंटर करेगी उसका प्रेशर कहाँ पड़ेगा? फैन पर, और ये फैन का प्रेशर घुमाने के बाद में बाहर निकल, समझ में आया?
अब दोनों एक ही शाफ्ट पर अटैच है तो ये भी घूमेगा, ठीक है। इसके ब्लेड का डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, पता नहीं, इसके ब्लेड का डायरेक्शन हमने ऐसे बना दिया। ओके, इसमें प्रेशर ज्यादा है, इसको रोटेट कर रहा है। अब इसके ब्लेड का डायरेक्शन अलग है, ये एटमॉस्फेयर से एयर को अपनी तरफ खींचेगा, है ना? एग्जॉस्ट फैन, व्हाट एग्जॉस्ट फैन डूइंग एक्चुअली? तो किचन में जो एग्जॉस्ट फैन होता है क्या करता है? किचन की गर्मी को तो एटमॉस्फेयर, अब यहाँ पे इसका एटमॉस्फेयर अलग है, ये क्या करेगा एटमॉस्फेयर से एयर को अंदर लेगा। ओके, और ये बाद में कहाँ भेजेगा? कहीं बाजार रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आया? यस सर। अब ये जो फैन बनाया है हमने, इट्स नॉट ए फैन, इसको हमने नाम दिया है टरबाइन। क्या बोलते हैं इसको? टरबाइन। और इसको बोलते हैं इंपेलर। क्या बोलते हैं इसको? इंपेलर, ठीक है। अब यहां पे आपने, आपको भी बताया मैंने कि एयर का प्रेशर देते हैं, एयर में ही प्रेशर होता है, किसी और चीज में भी प्रेशर हो सकता है, गैस। तो बोलते क्यों नहीं हो? गैस में भी तो प्रेशर हो सकता है। अब कौन सी गैस हो सकती है जो हमें इजीली अवेलेबल हो? एग्जॉस्ट गैस कहां से मिलती है? इंजन से, ठीक है। अब इंजन की जो एग्जॉस्ट गैस है वो कहां से निकल रही है? एग्जॉस्ट वाल्व से। ये लो, हमने एग्जॉस्ट गैस का कनेक्शन दे दिया यहां पर। अब जो इंजन से गैस निकलेगी वो सीधी कहां जाएगी? टरबाइन के पास। टरबाइन को रोटेट करेगी। टरबाइन को जब रोटेट करेंगे तो क्या होगा? ये इंपेलर रोटेट होगा। yes, और ये इंपेलर क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से एयर को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब सक्शन लेगा। yes, और सक्शन लेने के बाद में उसको भेजेगा कहां पर? रिक्वायरमेंट कहां पर है हमें? इनलेट वॉल्व में, ठीक है। कहां पर रिक्वायरमेंट है? इनलेट वॉल्व। क्या हो रहा है यहाँ पे? अब ये जो मशीन बनी यहाँ पे आपकी, इसको बोलते हैं टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर, क्या हो रहा है यहाँ पे? जो एग्जॉस्ट गैस इंजन से निकल रही है वो टर्बाइन पर स्ट्राइक कर रही है विद प्रेशर। ओके, टर्बाइन पर लगने के बाद टर्बाइन को रोटेट कर रही है, टर्बाइन की वजह से इंपेलर रोटेट हो रहा है, और इंपेलर क्या करता है? एटमॉस्फेयर से एयर का सक्शन लेके उसको प्रेशराइज्ड फॉर्म में इनलेट वॉल्व के थ्रू भेज रहा है कंबसन चैम्बर। समझ में आ गई है? यस सर। वर्कशॉप में टर्बो चार्जर रखा है, आज जैसे ही वर्कशॉप होगा सबसे पहला काम है आपको जाके टर्बो चार्जर लेना, क्योंकि अभी पढ़े हो, जाके देखोगे तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। जाके टर्बो चार्जर देखना अंदर। अब टर्बो चार्जर में क्या हो रहा है? जो ये एयर अंदर आ रही है ना यहाँ पे एटमॉस्फेयर से, यहाँ पे एक एयर फिल्टर लगा होता है, वर्कशॉप में जाएंगे तो आपको दिखेगा क्या लगा होता है? एयर फिल्टर। क्योंकि फिल्टर नहीं लगाएंगे तो एयर जो बाहर एटमॉस्फेयर में होगी उसमें सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। और सॉलिड पार्टिकल्स एयर के थ्रू कहां चले जाएंगे? इंजन में, तो वो ब्रेक डाउन होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। टर्बो चार्जर समझ में आ गया आपको? इट ऑपरेटेड बाय द एग्जॉस्ट गैस ऑफ द इंजन। अब आप सोचो ये गैस यहां से निकल के कहां जाएगी? एग्जॉस्ट गैस बॉयलर में। कहां जाएगी यहां से निकल के? एग्जॉस्ट गैस बॉयलर में। वहां पर जाके वो अपना हीट जो होगी उसको ऑब्जर्व कर लेगा, वाटर हीट हो जाएगा, देन इट विल गो टू द एटमॉस्फेयर। समझ में आ गया? वन मोर थिंग, अब ये जो एग्जॉस्ट गैस निकल रही है यहां से, इसका टेम्परेचर भी होता है ना कुछ, तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? पायरोमीटर इज यूज्ड टू चेक द एग्जॉस्ट गैस। ये ओरल में पूछा जाता है आपसे कि पायरोमीटर का यूज क्या होता है, ठीक है। पायरोमीटर इज यूज्ड टू चेक द एग्जॉस्ट गैस टेंपरेचर। यहां तक क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? कोई डाउट नहीं है। वन मोर थिंग,
ये क्या है, यहाँ होल्ड क्यों दिया गया है? इतने सारे डायग्राम्स बनाए मैंने, आज भी बनाया, कल भी बनाए थे, तो वहां पर हरेक पिस्टन में ऐसे दिया हुआ है ना। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं गजियल पिन। क्या बोलते हैं? गजियल पिन, GUDGEON पिन, गजियल पिन। ओके, यहां पर देखो पिस्टन जो है ये, अभी आपको सिलेंडर लाइनर के अंदर लगी हुई पिस्टन है, मैं इतना हटा दूं अभी। बनाने की जरूरत नहीं है ना, ट्रिक है, आपकी बुक में डायग्राम दिया होगा, ऊपर टर्बो चार्जर लगा हुआ है, ये इंपोर्टेंट से ये मिट तक भी जाता है। ये लाइनर बनाया था मैंने ना, इसके अंदर में पिस्टन बनाई थी राइट डायग्राम में, ऐसे कनेक्टिंग रोड बनाई थी और ये पिस्टन है। इसको कनेक्टिंग रोड बोलते हैं, पिस्टन नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। कनेक्टिंग रोड कौन से इंजन में बोलते हैं? फोर स्ट्रोक में इसको पिस्टन रोड ही बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं गजियन पिन। कनेक्टिंग रोड का जो शेप होता है वो कैसे होता है, ठीक है? यहाँ पे आपकी लगती है क्रैंक पिन, ठीक, जिसको क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं। और ये जो पिस्टन है वो कैसे होती है, ज्यादा बड़ा हो, ये है आपकी फोर स्ट्रोक इंजन की पिस्टन, ये ठीक है। यहां पे आप देखेंगे, और एक मैंने यहां पे एग्जांपल के लिए ये पिन ले ली, क्लियर? यस सर। अब ये कनेक्टिंग कैसे होगा, दोनों को कैसे जोड़ेंगे? ये पिस्टन को मैं ऐसे उठाता हूं और इसमें अंदर डालता हूं, क्या होगा, ये वाला होल दोनों आपस में आमने सामने आएंगे। yes, ये जो पिन है इसको निकाल के हम ऐसे इंसर्ट कर देंगे। yes, कनेक्ट हो गई, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन दोनों कनेक्ट हो गई। yes, ये वर्कशॉप में रखे हुए हैं, जाके देखना, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन दोनों रखे हुए हैं, ठीक है। ये गजियन पिन है, पिस्टन है और ये कनेक्टिंग। आपने देखा पिस्टन में मैंने ऊपर तीन लाइनें बनाई हुई और नीचे एक लाइन बनाई हुई है, बनाइए ना। yes, इनको बोलते हैं पिस्टन रिंग्स। क्या बोलते हैं इनको? पिस्टन रिंग्स। क्यों होते हैं ये पिस्टन रिंग्स? यहां पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहां पे क्या होता है इस जगह पर, कंबसन होता है। कंबसन मीन्स व्हाट? हॉट गैस प्रोड्यूस होती है। yes, तो हॉट गैस को नीचे क्यों नहीं आती? नीचे क्यों नहीं आती हॉट गैस? जगह नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर सिलेंडर लाइनर और पिस्टन के बीच में जगह दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है ना, एक्चुअल में जगह होती है। आप सोचो अगर जगह नहीं होगी तो पूरी की पूरी पिस्टन लाइनर की दीवारों से रगड़ेगी, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा। yes, और उस फ्रिक्शन की वजह से लाइनर भी खराब, पिस्टन भी खराब। yes, और पिस्टन तो बहुत महंगा आता है, कंपनी इतना लॉस देर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो एक्चुअल डायग्राम होता है आपका, जो एक्चुअल में जो पिस्टन दिखेगी आपको इस तरह से, अभी गैप दिख रहा है, दिख रहा है ना सर? ये गैप क्यों है वो बताऊंगा बाद में। पहले ये जो रिंग्स हैं, ऊपर की दो रिंग्स और एक नीचे है, तो ये ऊपर की दो हैं और ये नीचे की एक दो हैं, इन दोनों का अलग अलग यूज है। ऊपर की दो रिंग हैं, इनको बोलते हैं कंप्रेशन रिंग, कंप्रेशन रिंग।
और ये नीचे की रिंग है, इसको बोलते हैं ऑयल स्क्रैपर, ऑयल स्क्रैपर रिंग्स। क्लियर? अब मुझे बताओ, जब पिस्टन सिलेंडर लाइनर के अंदर मूव करेगी, ठीक है, मैंने बता दिया आपको पिस्टन नहीं रगड़ेंगे, कुछ और चीज का फ्रिक्शन होगा, लेकिन कहीं भी जब फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है वहां पर? हीट जनरेट होती है कि नहीं होती है? तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? लुब्रिकेटिंग ऑयल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये क्या है आपकी और क्रैंक शाफ्ट जिस प्लेस पर रोटेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रैंककेस। ठीक है, तो ये यहाँ पर रोटेट करेगी, इसको हम क्रैंककेस बना लेते हैं छोटा सा। समझ आया? यस सर। अब यहाँ पर रहेगा ऑयल, क्या रहेगा? ऑयल। ऑयल क्रैंक केस में क्या रहेगा? ऑयल। क्रैंक केस को दूसरा नाम क्या है? सम। सम बताया था ना ये? तो यस सर। क्रैंक केस का दूसरा नाम क्या है? सम। सम उसके अंदर में लुब्रिकेटिंग ऑयल। अब जब आपका इंजन रनिंग कंडीशन में होगा तो ये जो क्रैंक शाफ्ट है देखो नीचे आएगी, तो किस में टकराएगी जाके? ऑयल में। अब जब आप सोचो एक बकेट में पानी है, उसमें बार बार ऐसे हाथ मारो, पानी किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ये क्रैंक शाफ्ट बार बार इसमें टकराएगी, ऑयल ऊपर आएगा। कहां पर आएगा? लाइनर में। पर पिस्टन के ऊपर जाएगा क्या? यहाँ तो रहेगा लाइनर की दीवारों पर, रहेगा ना। तो ये जो प्रोसेस है, जो क्रैंक शाफ्ट के थ्रू जो लुब्रिकेशन हो रहा है ना, इसको बोलते हैं स्प्लैश लुब्रिकेशन। क्या बोलते हैं? स्प्लैश लुब्रिकेशन। स्प्लैश लुब्रिकेशन। ओके, ठीक है, ये लुब्रिकेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लुब्रिकेशन होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल ये सोच लीजिए यहाँ पे लुब्रिकेशन जो हो रहा है ना, वो ऑयल ऊपर तक जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हो रहा है कंबशन आपका। कंबशन मतलब हॉट गैस। सबको पता है कि यहाँ पे ऑयल है, तो अगर ये हॉट गैस ये साइड से जगह है यहाँ से नीचे आ जाएगी तो क्या होगा? एक्सप्लोजन, ब्लास्ट होगा कि नहीं होगा? क्रैंक केस एक्सप्लोजन बोलते हैं उसको। एक क्रैंक केस है और इसका हो गया एक्सप्लोजन, तो क्या नाम आ जाएगा? क्रैंक केस एक्सप्लोजन। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, डिटेल में नहीं पढ़ रहे हम क्योंकि लिमिटेड में लिमिटेड है। क्रैंक केस एक्सप्लोजन होने के चांसेस हैं, इसलिए क्या किया यहाँ पर रिंग लगाई गई है ये वाली। दो रिंग्स लगा दी जो कि ऊपर की कंबसन गैस को नीचे नहीं आने, कंप्रेसर रिंग इसको बोलते हैं। फिर एक ये लगा दी ऑयल स्क्रैपर रिंग, ओके, और एक लगा दी ये ऑयल स्क्रैपर रिंग। ये क्या करते हैं, पूरा जो दीवारों का ऑयल है उसको नीचे स्क्रैप करके लेके आ जाते हैं क्रैंक केस में। फिर वापस से लुब्रिकेशन होता है, फिर नीचे लेके आ जाएंगे, फिर लुब्रिकेशन होगा, ये फिर नीचे लेके आ जाएंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर? रिंग्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द कंबशन गैस गोइंग टू द क्रैंक केस। जो भी ऊपर कंबशन हो रहा है, जो हॉट गैस प्रोड्यूस हो रही है, उनको क्रैंक केस में एंट्री नहीं होने देते ये जो कंप्रेसर रिंग। ऑयल स्क्रैपर रिंग कंटिन्यूअसली ऑयल को स्क्रैप करते रहते हैं जिससे कि वो कंबशन गैस के साथ मिक्स ना हो। समझ में आया इतना? यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स? ओके, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन के जो कंपोनेंट्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। यस सर। आज के लिए इतना काफी है। यस सर। कोई डाउट है आपको? नो